शाय शहंशाह शाय शहंशाह शाय शहंशाह शाय शहंशाह गुरु गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद सिंह Thank you.
सच्चे पातशाह दी उस्तत करदियां होया आप कहंदे हन तन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू शहनशाहां दा शहनशाह है, तेरे समान संसार विच होर कोई शहनशाह नहीं है। आ दुनिया दे सारे राजे आ झूठे राजे हैं, लेकिन तू तू सच्चा पातशाह है। सात सिगत बोलो श्री नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। आप क्यों दे हन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तू सब दी मदद करन वाला है। जिस दी मदद कोई नहीं करदा उस दी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करदा, और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करदा। साथ सगत बोलो श्री नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह। आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तू अकाल पुरख वाहेगुरु दा खजांची है। जो अकाल पुरख वाहेगुरु दे खजाने विच बख्शीशा हन तू उन्हां नू वंडन वाला है। सात सगत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह
गुरु गोबिंद सिंह। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं ये धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहिगुरु नू जानिया है, इस वास्ते संसार विच तू महाराजियां दा महाराज है, तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं, इस वास्ते मैं सारे संसार नू छड के तेरे चरणा विच आया हां, क्योंकि संसार के जितने दरबार हैं उन्हां विच जाके मेरी चोली किसे ने नहीं भरी, इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जाती, वो सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के ही जाऊंदा है। सतसंगत बोलो श्री, इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह शाहे शहनशाह शाह।
जिले हक तजलील गुरु गोबिंद सिंह साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह जिले हक तजलील गुरु गोबिंद सिंह 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 साए शेषा देख रहा फतह गुरु गोबिंद सिंह
जानो दिल रा रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलां दा हाल जानता है, क्योंकि तू अंतरजामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। तेग रहा फतह गुरु गोबिंद सिंह, जानो दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिबले साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज दा मालक है, संसार दा मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाने नू मनन वाला है। सात सगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदो आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 दे करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदो अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया तां सानू कीर्तन सुनाओ। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा दा भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दिओ सारिआं नूं, जे दुश्मन दल आवे ते उसनूं रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे। सत संगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति होई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच सीस चुकाया, ताइए टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए हैं। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, ओ गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता जी। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हन? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जांदे, दया सिंह तू भी शहीद हो जांदा, मैं भी शहीद हो जांदा, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हन, उसकी जड़ी भगती कीती है, असी ए सौदा सस्ता कीता है। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नूं शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं, आप दे उस वेले 9 साल दी उम्र सी।
हिंदू धर्म की रक्षा की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई। आनंदपुर का किला उजड़ गया, चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। आ सारा सरबंश दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। साथ सगत बोलो श्री आख्या। और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदो बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां होईयां, ते अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जावन बार, ते दुश्मना दे कई दलां दे दल नू मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले जिस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दिया चमकौर दी कच्ची गड़ी नू घेरा पा के खलारिया, ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए के हिंद दा पीर जा रहा, जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनू रोक के दसो। साथ सगत बोलो श्री वाहेगुरु। अनेकां ही नू साहब जी दी तलवार त्या शो प्राप्त होई, दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची गड़ी विचों अगां लंघ गए, दुश्मन केरे नू तोड़ छड़िया। तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकदा है, तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। साथ सगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहंदे हन, मुसव्वर खेंच ले तस्वीर जे तुझको रिसाई है, दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है। यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मिला तुझ सा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। साथ सगत बोलो श्री। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदिया होया भाई साहब भाई नंद लाल जी की कहिंदे हन, आओ प्यार नाल जपिए। शाए शहनशाह, शाए शहनशाह, शाए शहनशाह, शाए शहनशाह, गुरु गोबिंद सिंह जी, 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 शाए शहनशाह, शाए शहनशाह, शाए शहनशाह, शाए शहनशाह, वाहेगुरु।